ऐसे निवेदन कर रहे थे हम, गौमूत्र में बछड़ी का ही लिया जाता है, ध्यान रखना, जो मां नहीं बनी है अभी तक। पंचगव्य में जो गौमूत्र की बात है वो सेवन बछड़ी का किया जाता है, गर्भिणी गाय का नहीं, गाय माता में भी बछड़ी का, जो अभी मां बनी नहीं, मूत्र उसी का लिया जाता है, और क्षमा कीजिए गोबर भी पंचगव्य के लिए। रक्त वर्णा, श्याम वर्णा, विद्युत वर्णा, बिल्कुल श्यामा, एकदम एक भी बाल श्वेत न हो मां के देह पर, श्वेत न हो एक भी बाल, ऐसे श्यामा, इसके सींग हिल रहे हो, पूछ उसकी धरती को छू रही हो और अपने आप चलते समय सींग हिलते जाए उसके, और उसका हुड, ये उसका मर्मस्थल उच्च हो, उसकी पूछ धरती को छू रही हो, ऐसी गाय कपिला, उसके तो कुछ भी बूंद ऐसी हैं कि सब प्रकार के व्याधियों का शमन करते हैं। औषधि में आज भी सर्वोत्तम औषधि गंगा और गौई तो है। आप हमारी बात को कितनी अतिशोक्ति समझेंगे, राम जाने, हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं, पर विश्वास कीजिए जो गंगा के गुण हैं वही गुण गौमूत्र के हैं, वही गुण, क्योंकि गंगा का आवास गौमूत्र में है, सभी देवताओं का वास गौ में है, गोबर में स्वयं लक्ष्मी का वास है, गौ में सब पितृ रहते हैं, देवगण रहते हैं, ऋषिगण रहते हैं, मरुदगण रहते हैं, सूर्य चंद्र भी वहीं रहते हैं, महादेव और नारायण का भी वास गौ में ही है। सबसे अंत में जो प्राणी गौ में वास करने आया, ये दो प्राणी ऐसे थे जो बहुत अंत में आए, सबसे अंत में और उससे पहले ये दो प्राणी रह गए जो आए नहीं गौ वास करने, एक गंगा, गंगा ने कहा मैं स्वयं पवित्र हूं, तब दर्शनार्थ मुक्ति, मेरे दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से मुक्ति हो जाती है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि। नारायण जिस औषधि का ज्ञान कराते हैं वो मैं गंगा ही तो हूं, तो मुझे कहां जाने की आवश्यकता है, मैं स्वयं माधव का, मैं स्वयं विष्णु के चरणों से निकली हूं, विष्णु पदगामिनी, मैं स्वयं ब्रह्म कमंडल में बैठकर ब्रह्मा द्वारा वंदित सेवित पूजित हूं, मैं ब्रह्मवादिनी, मैं माधव की पूजित हूं, ब्रह्मा द्वारा पूजित हूं, महादेव के मस्तक पर रहती हूं, मैं त्रयोग सिद्धिकार गंगा, मैं क्यों जाऊं, कहां जाऊं, क्यों जाए। लेकिन अकेली पड़ गई, जब देखा कि सब चले गए गौ में, तो गंगा भी वहां पहुंची और प्रार्थना करने गई गौ माता से कि मुझे स्थान दे, तब गौ माता ने कहा कि जो खाली हो वहां बैठ जाइए, आपका स्वागत है। और गंगा ने अपने संपूर्ण पावित्र को बिसार कर उनके मूत्र में वास किया कि मैं यहां रहूंगी। सर्वाधिक कोई शुचि है तो वो गौमूत्र है।